जैसे जैसे समय गुजर रहा है हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। With every passing day, Indians and Americans are getting to know each other better. We can pronounce each other's names correctly. We can understand each other's accent better. Kids in India become Spider-Man on Halloween. And America's youth is dancing to the tune of Natu Natu. Baseball ki prasiddhi ke beech, ab America mein cricket bhi popular ho raha hai. इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में खेलने के लिए अमेरिका की टीम क्वालिफाई करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। Amidst the love for baseball, cricket is also getting popular in the US. The American team is trying its best to qualify for the Cricket World Cup to be held in India later this year. I wish them good luck and success. Mr. President, पिछले पांच दशकों से बदलते विश्व में उथल पुथल के बीच आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को रिजोल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, फॉर ओवर फाइव डेकेड्स थ्रू ऑल द स्वीपिंग चेंजेस इन द वर्ल्ड यू वर्क्ड हार्ड इन द सर्विस ऑफ योर नेशन एंड द एंटायर ह्यूमैनिटी। यू हैव टर्न्ड एवरी एडवर्सिटी इनटू स्ट्रेंथ, लॉस इनटू रिजॉल्व, चैलेंज इनटू अ मिशन। लगभग एक दशक पहले जब आप उपराष्ट्रपति थे तब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज भी मैं आप में वही कमिटमेंट, वही इंटेंसिटी देख रहा हूं। आई फर्स्ट मेट यू नियरली अ डेकेड अगो व्हेन यू वर द वाइस प्रेसिडेंट एंड आई सी द सेम कमिटमेंट एंड इंटेंसिटी इवन टुडे इन यू। आप बोलने में सॉफ्ट है पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है। You are soft spoken, but when it comes to action, you are very strong. और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड आई नो दैट एज एन एजुकेशनिस्ट डॉक्टर जिल बाइडेन हैज मेड अ ट्रेमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस जर्नी। फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति बाइडेन और मैंने अनेक विषयों पर विस्तार से गहन चर्चा की। शायद हमारी टीम्स नोट्स लेते लेते भी थक गई होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि समय कम रह गया। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट बाइडेन एंड आई हैड सम वेरी वाइड रेंजिंग एंड डीप कॉन्वर्सेशंस टुडे। आई थिंक आवर टीम्स गॉट टायर्ड ऑफ टेकिंग नोट्स एंड येट इट फेल्ट लाइक वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं भारत अमेरिका संबंधों के बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। आज ये मेरा पांचवा संबोधन है या शायद छठा, मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू मच अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस बिकॉज आई नो दिस इज माई फिफ्थ स्पीच फॉर द डे और मे बी इट्स द सिक्स्थ। एज यू कैन सी आई रियली हैव लॉस्ट काउंट। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से
आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। मिस्टर प्रेसिडेंट, इन 2014 व्हेन यू हैड होस्टेड अ बैंक्वेट फॉर मी, एट दैट टाइम आई वाज ऑब्जर्विंग अ 9-day रिलीजियस फास्ट एंड आई रिमेम्बर यू वर आस्किंग मी अगेन एंड अगेन व्हाट आई कुड ईट ड्यूरिंग माय फास्ट, बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ईट एनीथिंग एंड यू वर क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट इट। Well, today I'm making up for it. All that you desired at that time with so much affection is being fulfilled today. मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर हैं और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टॉस्ट में मेरा साथ दें। आई नो एवरीवन इज ईगर टू हैव डिनर लुकिंग एट टुडे स्पेशल मेन्यू। आई नो द एफर्ट मेड बाय डॉक्टर बाइडेन इन वेरी डेलिकेटली क्यूरेटिंग टुडेज मेन्यू, बट देयर इज वन मोर थिंग लेफ्ट टू डू। प्लीज जॉइन मी इन रेजिंग अ टोस्ट। ये टोस्ट to our wonderful host, President Biden and Dr. Jill Biden, a toast to good health, prosperity, and the pursuit of happiness, to liberty, equality, and fraternity, and to the everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. Thank you. Enjoy your meal. तो ये खास मौके थे जब आपने सुना किस तरीके से हंसते हुए कुछ ऐसे खास मूमेंट्स को शेयर किया गया, कुछ ऐसी खास बातें कन्वे की गई हैं जो जिनका बहुत डीप मीनिंग है। हालांकि इन तमाम शब्दों का विश्लेषण TV9 भारतवर्ष लगातार स्टूडियो में कर जरूर रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी निशान चतुर्वेदी का। निशान, सीधी तस्वीरें आपने दिखाई हैं और आपने थोड़ी देर पहले कहा था आपको वहां पर बोलना अलाउड नहीं था, लेकिन अब अगर संभव हो तो सीधी बातचीत में आपसे करना चाहूंगी, किस तरीके से आपने लिया इन तमाम बातों को, उन तमाम जेस्चर्स को जो अभी हमने टोस्ट के दौरान देखे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जो टोस्ट हुआ है उसमें क्या हुआ है। जब वो टोस्ट रेज किया उन्होंने, प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उन्होंने कहा थैंक गॉड हम दोनों ही मदिरा का सेवन नहीं करते, वी डोंट ड्रिंक एल्कोहल। तो ये इट वॉज वेरी वेरी हिलेरियस, इट वॉज अ मोमेंट जिसमें देयर वाज अ फन और बहुत मजा आता। उन्होंने कहा कि when you don't drink then it is better to raise the toast from your left hand, aur us waqt sab hansne lag gaye. To khair behral ek moment wo tha which was a very interesting and a very funny moment, but then you see a great deal of camaraderie. Aapko aisa laga ye dono mulk kitne nazdeek aa rahe hain, jaisa ki humne aapko bataya ki kis tarike se ye bhi zikr kiya gaya, ye bhi baat ki gayi ki hum दोनों देश जो हैं वो अब तैयार हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो देश को बनाने वाले लोग हैं, इंडियन अमेरिकन का जिक्र किया और देश को बनाने वाले लोग जो हैं उनका जिक्र किया, और उसमें वो लोग वहां पर मौजूद थे जो आपने उन टेबल्स पर देखे। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा था, उस वक्त शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, मुझे मौका लगा था आप लोगों को बोलने का।
These were one of the most powerful tables in India and America.